दोस्तों, मैं संस्कार श्रद्धा हूँ और आपसे कॉर्नर सा। तो देखो गुरु, हमारे देश में आधे से ज्यादा लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखी, लेकिन की क्यों ये किसी को नहीं पता। और तुम मानो या फिर ना मानो, ये जो बीए कोर्स है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मेरे हिसाब से इसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि हर बीए करने वालों को ये लगता है कि एक नए दिन वो आईएएस आईपीएस या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बन ही जाए, लेकिन बनता घंटा कुछ नहीं है। और बीए के यही काली सच्चाई है। अब तुम चाहे कितना भी हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ये तुमको ज्ञान तो दिला सकता है लेकिन काम नहीं। और अगर विश्वास ना हो तो तुम किसी बीए करने वाले से पूछ लो। जब हमने बीए कोर्स अपना ज्वाइन किया था तो हमने एक जगह ट्यूशन पकड़ी। हमने वहाँ के टीचर से पूछा, सर आपने किया क्या है? उन्होंने कहा, बेटा हमने तो बीए किया। फिर हमने पूछा, उसके बाद तुम जैसे चुतियों को ट्यूशन पढ़ा रहे, तो भोसड़े के जब हमारे टीचर का ही फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो हम अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर समझ सकते हैं यार। तो हमारे मायने में तो बीए कोर्स है ही बहुत ज़्यादा चुतिया, क्योंकि ये पढ़ाते उल्टा है। हमने शुरू से पढ़ाए ए बी सी डी और ये पढ़ाते हैं बीए। उल्टी पढ़ाई करने पर सीधी नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर हम आते हैं हमारे बीकॉम वाले दोस्तों के पास। इन लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, लेकिन अकाउंटेंसी वाले काम ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये शोरूम में जाकर कार बेचते हैं, मॉल में जाकर कपड़े बेचते हैं, घर घर जाकर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये एचआर डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, ये ग्राफिक्स डिजाइनर तक बने हुए हैं। मतलब हर वो काम करते हैं जिसका अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। और फिर आते हैं बचे खुचे लोग सीए करने वाले। जब हम 10th में थे तो हमारे एक भैया थे जो सीए की तैयारी कर रहे थे। 2 साल बाद हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि उनका सीए क्लियर हो पाएगा। एक बार के लिए इस जमाने में नट्टू काका और बागा की सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन उनका सीए शायद अगले जन्म में ही पूरा हो। शायद मेरे बच्चा भी हो जाए तब भी उनका सीए कंप्लीट ना हो। अब खैर, जिंदगी एंड पर डिपेंड है। फिर हम आते हैं हमारे बीएससी वाले दोस्तों के पास। ये बहुत ज़्यादा प्यारे से होते, बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं और चूतिए भी, क्योंकि ये पहले इंजीनियरिंग करते, फिर यूपीएससी करके आईएएस बन जाते, फिर ये मेडिकल करते, फिर यूपीएससी करने के बाद आईपीएस बन जाते हैं। बचे खुचे लोग एनआईटी और जेईई करने के बाद एसएससी करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर बन जाते हैं। मतलब हर वो काम करते हैं जो उनका बीए वाला दोस्त नहीं कर पाया, और हमारी इच्छा को पूरी कर देते हैं और हमारे सपनों पर पानी फेर देते हैं, चूतिए साले। लेकिन हमारे स्कूल से बस यही कहना है कि सुनो यार, तुम जो है स्किल सिखाओ, ज्ञान नहीं। क्योंकि घर जो है ज्ञान से नहीं चलता, पैसों से चलता है। और अगर हमारे पास स्किल नहीं रहेगा तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे? लेकिन स्कूल वाले ये तो चूतिए, बस अपने पैसे कमाने के पीछे पड़े रहते हैं। खैर, जिंदगी झंडे फिर झंडे, लेकिन हमारे पास आप लोगों से यही कहना है, आप वही काम करें जिसमें आपको मन लगता है और उसके बाद फिर आप उससे पैसे कमाएं, समझ गए? अगर आपको चाय बनाना पसंद है तो चाय बेचें, अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप खाना बेचें, और अगर आपको कुछ नहीं पता कि आपको क्या पसंद है तो वो चले के गान बनाओ। इतने बड़े होगा तुमको अभी तक ये नहीं पता कि तुमको पसंद क्या है, चूतिए साले। खैर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप कितने ज़्यादा रिग्रेट करते हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। बीएससी वाले एक्सक्लूडेड है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।